जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को अपने लाइव में बताया था कि मैं एक दो दिन के लिए प्रयागराज जा रही हूँ, तो अभी हम लोग प्रयागराज आ चुके थे और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा प्रयागराज घूमने। तो हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग आगे आगे क्या क्या मस्ती करेंगे। तो ये देखिए हमारी पूरी चिल्लर पार्टी, पूरी पलटन हमारी। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना तो लिएगा नहीं। हमारी सबसे पहली मंजिल है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ। ये हाय बच्चा टीम, ये हम लोग पार्क के अंदर जाते हुए गेट नंबर 1 से। लास्ट निशान 50 नंबर पार्टी में। पार्क में कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। अभी हालत भी खराब होएगा जब होगी तब। हाँ, हाथी मेरा साथी, छोटा हाथी भी है। दीदी देखो बड़ा हाथी छोटा हाथी, वही तो हाथी मेरा साथी। ये बहुत पुरानी लाइब्रेरी है। ये घोड़ा और ये मैं, ये जिराफ, ये मोर, ये भी जिराफ है, ये कंगारू है विद हर बेबी, ये शेर है, शेर की चीता है वाला, शेर की चीता है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। ये बारह सिंगा, सॉरी ये बैल है, बैल है। अच्छा गाय है, बोले गौ माता की जय। तो हम लोग बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी मस्ती करते करते फोटो लेते लेते रील्स बनाते बनाते पार्क का, सॉरी पार्क का गेट नंबर 1 पार कर चुके हैं। अब हम लोग पार्क के गेट नंबर 2 में हैं। मैंने ऐसा सुना है कि इस पार्क में टोटल 5 गेट है, तो इस पार्क को पूरा घूमने हम लोगों को 2 से 2.5 घंटा लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या हम लोग खुरापाती करते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारे जो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उन्होंने इसी पार्क में अपने आप को गोली मारी थी। तो यहाँ पे उनका समाधि स्थल है, मैं वो भी आप सभी लोगों को दिखाऊंगी, तो इसलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो हम लोग अभी गेट नंबर 2 से निकलकर गेट नंबर 3, इट मीन्स पार्क का थर्ड सेक्शन, हम लोग वहाँ पे प्रस्थान कर चुके हैं। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी, वो स्पॉट भी दिखाऊंगी जहाँ पे हमारे आज़ाद चंद्रशेखर जी ने अपने आप को गोली मारी थी, क्योंकि उन्हें अंग्रेज़ों का गुलाम बनकर मरना मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने खुद ब खुद अपने आप को गोली मार ली थी। तो यही वो स्पॉट है। तो मैं आपको बहुत पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। Thank you.
चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रतिमा के दर्शन करने के बाद हम लोग अब इस पार्ट से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है गेट नंबर 4 एंड गेट नंबर 5, बाकी वो दो सेक्शंस में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ रास्ता है ऐसी, मतलब गार्डन टाइप में है। तो हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं और फिर आगे हम लोग और कहाँ कहाँ जाएंगे ये भी आपको दिखाती हूँ, बने रहिएगा। ये हम लोग आ गए हैं पार्क में, मतलब पार्क के झूला वाले पार्क में, और यहाँ पे हम लोग बस झूला झूलेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वैसे यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे झूला झूल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी झूल लेंगे। कैसा लगा झूला झूल के? हाँ वो तो आपको पता है कितना अच्छा लगा, बढ़िया यार तुम्हारी मौज है। पार्क में सिर्फ 10 वर्ष तक के बच्चों को ही अलाउड था झूलना, अनफॉर्चुनेटली हम 17 वर्ष के। तो चंद्रशेखर आजाद जी के पार्ट से हम लोग निकल के जा रहे हैं अब पीवी पार्क मॉल क्योंकि मुझे पता नहीं है क्या है, ये लोग बता दिए वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जगह है, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे। सबसे पहले तो नहीं, भूत बंगला में जरूर जाऊँगी और देखते हैं भूत बंगला में कितने प्रकार के भूत मिलते हैं। एक्साइटमेंट अब बस कंट्रोल नहीं हो रही है। तो लेट्स गो। तो हम लोग हॉरर हाउस से वापस आ चुके हैं, सब बहुत सैड है, मतलब मन कर रहा है दोबारा चली जाऊं, पर कोई नहीं, फिर कभी ट्राई करेंगे। इतना सा भी डर नहीं लगा है, वो शायद मुझसे डर गए होंगे। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी। अच्छा अभी हम लोग नॉर्मली मॉल घूम रहे हैं। बाकी इन लोगों की तो हालत खराब थी। अच्छा नहीं वो गार्जियन पहले बाद में झाड़ू बहुत खाई यार सच में। हम लोग खुसरो बाग पहुंच गए हैं और ये देखिए हमारे अंकल भेलपूरी बना रहे हैं क्योंकि हमें भूख लग रही थी। अंकल आप खुसरो बाग के सामने लगाते हो हमेशा? अभी तो हम लोग भेलपूरी खाएंगे फिर खुसरो बाग चढ़ेंगे। तो भेलपूरी खाने के बाद हम लोग आ गए हैं खुसरो बाग। वाह, भेलपूरी खाने के बाद हम आ गए हैं खुसरो बाग। राइम बन गया। बाग से हम लोग शायद अब जाएंगे कहाँ? आनंद भवन। या तो आनंद भवन या तो फिर घर। तो हम लोग आनंद भवन नहीं जाएंगे, अफसोस, क्योंकि वो बंद हो चुका होगा, अभी हमें काफी लेट हो गया है, 7 बजने वाले हैं। तो अब हम लोग सीधा रवाना हो चुके हैं अपने घर के लिए पानी पूरी खा के।
यू वेरी मच आप सभी लोगों का मेरे इस ब्लॉग में बरकरार बने रहने के लिए। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर जरूर दीजिएगा, मतलब ऐसे वाला कीजिएगा, ऐसे वाला मत दबा दीजिएगा, ऐसे वाला कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, वो तो कहने वाली बात ही नहीं है। और हाँ, आने वाले ब्लॉग की नोटिफिकेशन के लिए घंटी दबा जरूर देना, मतलब घंटी बजा देना। बाय बाय, राधे राधे सभी लोगों को, राधे राधे, राधे राधे।